अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपकी थर्ड क्लास की टीचर। टुडे वी आर स्टार्टिंग द ग्रामर ट्री बुक, यानी आज हम बुक का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स, आपने कॉन्क्रीट नाउन के बारे में आज में हम पढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। कॉन्क्रीट नाउन होती है ठोस इसम और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं खुलासा इसम। ठीक है, सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन के बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ पे देखें, अ कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग डैट वी कैन बोथ सी एंड टच। ऐसा कॉमन नाउन जो कि हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, इज नोन एज अ कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉमन नाउन जिसको हम छू सकें, टच कर सकें और सी मीन्स देख सकें, तो वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। लाइक पियानो, केक, कोल, फ्लावर एट्सेट्रा। ओके, अब यही डेफिनेशन आपको अपनी कॉपीज पे भी लिखनी है। किस तरीके से लिखेंगे? आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, कॉन्क्रीट नाउन की, और ये डेफिनेशन आप फुल इसके पेपर पे लिखेंगे। अ कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग दैट वी कैन बोथ सी एंड टच इज नोन एज अ कॉन्क्रीट नाउन। पियानो, केक, कोल, फ्लावर एट्सेट्रा। यहाँ तक आपको ये कॉपी फुल इसके पेपर पे राइट करनी है और आई होप आपके ये समझ में आ गई हो। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह पहले मैं आपको समझा रही हूँ, फिर बताऊँगी किस तरह फुल स्केप पे करना है। अ कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग डैट वी कैन नॉट सी। ऐसा कॉमन नाउन, ऐसे कॉमन नाउन जो कि हम देख ना सकें और छू ना सकें, यानी जिसको हम देख ना सकते हो और ना ही छू सकते हो। कॉन्क्रीट नाउन में क्या था कि हम सी कर सकते हो, टच कर सकते हो, इसमें ना कर सकते हो, बट कैन ओनली थिंक, लेकिन उसको हम सोच सकते हो, हेयर फील कर, यानी हेयर मतलब सुन सकते हैं और फील महसूस कर सकते हो, इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक म्यूजिक, स्वीटनेस, हीट, एंगर, लव, ट्रूथ एट्सेट्रा। जैसे म्यूजिक है, जब कोई हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं या पोम सुन रहे होते हैं तो उसके हमें म्यूजिक को हम सुनते हैं, ना कि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसी तरह स्वीटनेस, जो हम केक वगैरह खाते हैं तो उसकी स्वीटनेस को हम छू नहीं सकते, हमें फील होता है, हमें फील होता है कि वो मीठा है। हीट, एंगर, लव, ट्रूथ, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पर एडिंग डालनी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, और फिर यहाँ से ये डेफिनेशन फुल इसके पेपर पे राइट करनी है। अ कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग दैट वी कैन नॉट सी एंड टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ हियर और फील इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक म्यूजिक, स्वीटनेस, हीट, एंगर, लव, ट्रूथ एट्सेट्रा। द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्क्रीट नाउन विल बिकम क्लियरर इफ वी लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। डिफरेंस बिटवीन यानी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल्स को देख के। ए, द मैन कुड नॉट लिफ्ट द हैवी टेबल। आयरन इज अ हैवी मेटल, द बैग इज हैवी। ऑल दिस ऑब्जेक्ट, टेबल, आयरन, बैग आर हैवी। यानी ये तमाम ऑब्जेक्ट जो आपको बताए, ये तमाम क्या हैं? हैवी मीन्स भारी हैं। दे देयरफॉर हैव वन थिंग और क्वालिटी इन कॉमन, हैवीनेस। वी कैन थिंक ऑफ हैवीनेस एंड फील इट बट वी कैन नॉट सी इट। हम हैवीनेस को सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ हमें लगता है कोई चीज़ उठाने में, जैसे टेबल अगर भारी है तो हमें ये पता है कि वो भारी उठाने में फील होगा, लेकिन हम भारीपन को नहीं देख सकते, ना ही उसको छू सकते हैं। सो द नेम ऑफ द क्वालिटी हैवीनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हैवीनेस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो कि जिन्हें हम ना सी कर सकें और ना ही टच कर सकें। बट द नेम ऑफ द थिंग, लेकिन चीज़ों के नेम डैट हैव दिस क्वालिटी, जैसे उनकी अगर हमें क्वालिटी पता हो, टेबल, आयरन, बैग, तो हमें पता है उसका मटेरियल क्या है, तो वो तमाम चीज़ें क्या होंगी? आर कॉन्क्रीट नाउन, बिकॉज वी कैन सी, टच एंड फील दैम। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तमाम चीज़ें कौन सी होंगी? कॉन्क्रीट नाउन होंगी। और जिन्हें हम फील और टच नहीं कर सकते, वो तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। नाउ अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
state whether the underlined nouns are proper or common. In the case of common noun, point out whether they are concrete or abstract. क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि आपने अंडरलाइन यहाँ पे हुए हैं कुछ प्रॉपर और कॉमन नाउन. अगर जो कॉमन नाउन है आपको उनको पॉइंट आउट करना है कि वो कौन से कॉमन नाउन है, मीन्स कॉन्क्रीट कॉमन नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन है. नंबर वन इज द सन गिव द अर्थ लाइट एंड हीट. सन है हमारे पास और लाइट और हीट. सन सन कौन सा नाउन है? सन कॉमन नाउन है लेकिन कौन सा नाउन होगा? सन कॉन्क्रीट. इसी तरह लाइट और हीट, लाइट और हीट को हम फील कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो फिर ये हमारे लिए कौन सा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट. आप सन के ऊपर इस तरह कॉमन की कॉन्क्रीट लिखेंगे, कॉन्क्रीट नाउन. लाइट और हीट बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके डियर स्टूडेंट, अब हम नंबर थ्री करेंगे. नंबर थ्री है द साइलेंस इनसाइड द एम्प्टी बिल्डिंग फ्राइटेंड अस. इसमें साइलेंस अंडरलाइन है तो साइलेंस कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम ना देख सकें और ना ही छू सकें. बिल्डिंग कौन सा नाउन हो गया? कॉन्क्रीट नाउन, या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CON, कॉन्क्रीट. ठीक है, अब नंबर फोर. ऑल रिलीजियंस से लव इज बेटर देन हेटर्ड. हेटर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, उसके बाद नंबर फाइव. मार्स इज अ लार्ज प्लैनेट. प्लैनेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मार्स नहीं, क्योंकि मार्स एक प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन हमें नहीं बताना, हमें सिर्फ कॉमन नाउन को बताना है कि कॉमन नाउन कॉन्क्रीट है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है. नंबर सिक्स. मिस्टर गोम्स टीचिस अस म्यूजिक. म्यूजिक कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, मिस्टर गोम्स प्रॉपर नाउन है तो इसको भी हम नहीं बताएंगे. नंबर सेवन. लव ऑफ एडवेंचर मेड जॉन गो टू डिस्टेंट प्लेसेस. प्लेसेस कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है, जबकि जॉन जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इसको भी नहीं बताएंगे. द ब्यूटी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट एवरी ईयर. ठीक है, इसमें अब देखें कश्मीर है, कश्मीर लेकिन प्रॉपर नाउन है तो हमें नहीं बताना. ब्यूटी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन की कौन सी काइंड है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नंबर नाइन. द विड्थ ऑफ दिस रूम इज मच मोर देन इट्स हाइट. ठीक है, हाइट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रूम कॉन्क्रीट नाउन, विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर टेन. लाइफ इज मेड अप ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो. सोरो कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको खुद से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अब आपको इसका व्यू अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है. ये फाइव सेंटेंस आप खुद करेंगे, नीट एंड क्लियर. थैंक यू. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज नाउंस नंबर. ठीक है, नाउंस नंबर करेंगे जो कि है पेज नंबर 8 पर. ओपन करेंगे पेज नंबर 8. टॉपिक नेम इज नाउंस नंबर. जैसे कि आप देख रहे हैं नाउंस नंबर, नंबर हमें पता है नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें हम नंबर कहते हैं. नंबर नाउन नंबर की एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है सिंगुलर प्लूरल. जैसे सिंगुलर होता है तो हमें पता है वन थिंग, यानी कोई भी एक चीज़, वो सिंगल चीज़ को हम कहेंगे सिंगुलर, और अगर एक से वो ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल. अब हम इसी तरह ये पूरा चैप्टर में आपको यहाँ पे सब पढ़ूंगी तो आपको ये विजन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि नंबर नाउंस क्या होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. यू नो डैट मोस्ट नाउंस कैन हैव टू फॉर्म्स. जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर नाउंस की टू फॉर्म्स होती हैं. ए वन फॉर्म टू शो डैट द नाउन रेफर्स टू वन थिंग एनिमल और पर्सन. द नाउन इज देन सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर. जैसे अभी आपको मैंने बताया कि इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल सिंगुलर और प्लूरल है, इसी तरह यहाँ पे भी बता रहे हैं कि एक नाउन वो होता है जो कि एक चीज़ को, एक जानवर को या एक शख्स को रेफर करता है. जैसे कि अ टेबल, अ हैंड, अ हॉर्स, अ मैन. अ मीन्स वन, यानी ए का मतलब क्या हो गया? एक. नंबर बी पढ़ेंगे. अ सेकेंड फॉर्म टू शो डैट द नाउन रेफर्स टू मोर देन वन और मैनी. यानी दूसरा नाउन की फॉर्म कौन सी होती है? जो कि
एक से ज़्यादा नाउन को शो करे, ठीक है, मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा, थिंग्स, एनिमल्स और पर्सन। द नाउन इज़ देन सेड टू बी इन द प्लूरल, उस नाउन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। जैसे थ्री टेबल्स, क्योंकि तीन हो गई तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एस का इजाफा कर दिया, ये बन गया थ्री टेबल्स, मैनी हैंड्स, सम हॉर्सेस, फ्यू मैन, ठीक है। नंबर सी, हाउएवर सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म्स टू शो बोथ वन एंड मैनी, कभी कभी कुछ नाउन्स जो हैं वो अपनी एक ही बात शो करते हैं कि वो वन है या फिर मैनी है, जैसे कि आ शीप, एन एयरक्राफ्ट, आर डियर, मैनी शीप, मैनी एयरक्राफ्ट, टेन डियर, जैसे ए शीप था यानी एक भेड़िया या एक भेड़, और मैनी शीप मतलब बहुत सारे भेड़, एन एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट, मैनी एयरक्राफ्ट मतलब बहुत सारे एयरक्राफ्ट, आर डियर एक हिरन, टेन डियर मतलब दस हिरन, ठीक है। द फॉलोइंग नाउन्स डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, ये जो इसके अलावा जो नाउन्स यहाँ पे लिखे हुए इनके प्लूरल नहीं होते, इक्विपमेंट, एपरेटस, फर्नीचर, म्यूजिक, ठीक है। अब नाउ सिंगुलर टू प्लूरल, गिवन बिलो आर सम ऑफ द वेज इन विच द नंबर ऑफ अ नाउन मे बी चेंज फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल, यहाँ पे कुछ आपको पास सिंगुलर दिए हुए हैं उनको हम चेंज कर देंगे प्लूरल में। नंबर वन, यूजुअली वी सिंपली ऐड एस टू द सिंगुलर, ज़्यादातर हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए किसका इजाफा करते हैं, ऐड करते हैं हम एस, यानी एस का इजाफा करते हैं, क्रो है तो क्रो को जब हम प्लूरल फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रोस, यानी हमने यहाँ पे एस का इजाफा कर दिया, लैक, लैक्स, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स, सब जगह हमने एस का इजाफा कर दिया। नंबर टू फॉर्म देखिए, वी ऐड ई एस, बाज़ अकात हम क्या करते हैं ई एस भी ऐड करते हैं टू सिंगुलर नाउन एंडिंग इन, अगर सिंगुलर जो नाउन होता है, जो हमें सिंगुलर नाउन दिया हुआ है वो अगर सी एच, एस एच, एस, एस एस और एक्स पर एंड होता है तो, जैसे गैस, गैसेस, जैसे एस पे एंड हुआ हमने यहाँ पे इजाफा कर दिया ई एस का, क्लास से क्लासेस, ई एस का इजाफा, बुश, बुशेस, पॉक्स, पॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 9 ओपन करेंगे, पेज नंबर 9 देखिए स्टार्ट करेंगे। नंबर 3, व्हेन द नाउन्स एंड इन वाई, अगर नाउन्स वाई पे एंड होगा वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस, हम आई को ड्रॉप कर देंगे, वाई को ड्रॉप कर देंगे, मीन्स हम वाई को वहाँ से कट कर देंगे, हटा देंगे और उसकी जगह क्या ऐड करेंगे, आई ई एस, जबकि नाउन किस पे एंड हो, वाई पे एंड हो, जैसे बेबी, बी ए बी वाई, बेबी, बेबी वाई पे एंड हो रहा है तो यहाँ से हमने वाई को कट कर दिया और ऐड क्या कर दिया, आई ई एस, लॉरी, लॉरीज, लॉरी, लॉरीज, फेरी, फेरीज, लेडी, लेडीज, फ्लाई, फ्लाइज, करी, करीज, मीन्स हमने इन सब में क्या करा, वाई को कट करके किसका एडिशन किया, आई ई एस का। अब बी, इफ देयर इज अ वॉवल बिफोर द वाई, अगर वाई से पहले वॉवल होता है, वॉवल जैसे आपको बताएं वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये फाइव वर्ड्स क्या हैं, वॉवल हैं ये फाइव अल्फाबेट्स, ठीक है। इनसे पहले अगर वाई होता है तो वी ऐड ओनली एस टू द सिंगुलर, तो हम ऐसे सिंगुलर के साथ सिर्फ एस ऐड करते हैं, जैसे रे वाई है लेकिन वाई से पहले वॉवल है तो हमने खाली यहाँ पे क्या लगा दिया, एस। डे, वाई से पहले ए है, ए वॉवल है इसलिए हमने यहाँ पे किसका एडिशन किया, एस का। ट्रे, वाई है लेकिन वाई से पहले क्या लगा हुआ है, वॉवल, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस। की, ई भी वॉवल है इसलिए यहाँ पे कीज। बॉय, ओ भी वॉवल है इसलिए बॉयस। ट्वाई, ओ वॉवल है इसलिए ट्वाइस, यानी अगर वाई से पहले वॉवल होगा तो सिर्फ एस का एडिशन करेंगे, लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल नहीं होगा तो वाई को कट करके आई एस का एडिशन करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पॉइंट, व्हेन अ नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, अगर नाउन एफ या फिर एफ ई पे एंड होगा वी ड्रॉप द एफ और एफ ई, तो हम क्या कर देंगे, एफ और एफ ई को ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह वी ई एस का एडिशन करेंगे, मीन्स एफ को हटा के क्या लगाएंगे, वी ई एस, जैसे हाफ, हाफ से हमें यहाँ पे हमने एफ को कट कर दिया, एफ को कट करके वी एस, थीफ, थीव्स, नाइफ, नाइफ्स, लाइफ, लाइव्स, लीव, लीव्स, वॉल्फ, वॉल्फ्स, ओके।
बी पार्ट बट वी सिंपली एड एस टू सम नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई। लेकिन कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, जो नाउन अगर एफ और एफ और एफ ई पर एंड हो रहे होते हैं तो उन पे हम एस भी ऐड करते हैं, जैसे रूफ है रूफ्स, चीफ चीफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, सेफ सेव्स। ठीक है, ये कुछ नाउन्स थे जहाँ पे हम खाली एस ही ऐड करेंगे और एफ को कट नहीं करेंगे। सी टू सम नाउन्स एंडिंग इन एफ वी कैन ऐड वी ई एस और एस, दैट इज ईच ऑफ दिस नाउन हैज़ टू प्लूरल फॉर्म, यानी उनकी टू प्लूरल फॉर्म होते हैं किसी किसी नाउन की। कहीं पर हम एफ लगा के भी एफ को कट करे बगैर एस लगाते हैं और कहीं एफ को कट करके वी ई एस का भी इजाफा करते हैं, दोनों तरह ये राइट होते हैं। ड्रॉफ ड्रॉफ्स ड्रॉफ्स, हूफ हूफ्स हूफ्स, स्टार्फ स्कार्फ्स स्कार्फ, हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स हैंकरचीफ्स। ठीक है, यानी अगर सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम वी एस ऐड कर देंगे, दोनों में ये राइट होगा। नंबर फाइव का ये पार्ट, टू सम नाउन एंडिंग इन ओ वी सिंपली ऐड एस, अगर नाउन ओ पर एंड होगा तो हम वहाँ पे सिंपली एस ऐड करेंगे। क्लो क्लोज, रेडियो रेडियोस, फोटो फोटोज, पियानो पियानोस, स्टीरियो स्टीरियोस, शैम्पू शैम्पूस। बट टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी हैव टू ऐड ई एस, लेकिन कुछ नाउन्स जो के ओ पे ऐड होंगे वहाँ पे हम दो नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम ओ के बाद ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस, हीरो हीरोस, इको इकोस, ज़ीरो ज़ीरोस। टू सम नाउन एंडिंग इन ओ वी कैन ऐड एस और ई एस, यानी कुछ नाउन में हम एस और ई एस दोनों को इजाफा कर सकते हैं, जैसे अभी आपको ऊपर बताया था मैंने एफ वाले में वेलकैनो वेलकैनोस वेलकैनोस, बुफेलो बुफेलोस बुफेलोस, मोटो मोटोस मोटोस, कार्गो कार्गोस कार्गोस। नंबर सिक्स, इन द केस ऑफ सब नाउन वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एन, कुछ नाउन्स में हम प्लूरल फॉर्म में अगर होते हैं तो हम वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, ई एन ऐड करते हैं, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, ऑक्स ऑक्सन, ब्रदर ब्रदरन। ठीक, नंबर सेवन, सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स आर लिटिल डिफरेंटली, फूट फीट, यानी अगर डबल ओ यहाँ पर है तो हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, डबल ई, फूट फीट, गूस गीस, माउस माइस, टूथ टीथ, मैन मैन। देखिए सिर्फ ई का फर्क है, वुमैन वुमैन। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल, यानी यहाँ पे सिंगुलर नाउन दिए हैं, अब हम इसके प्लूरल में चेंज करेंगे। नंबर वन देखते हैं, नंबर वन है स्टोरी, वाई पे एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को कट कर देंगे और वाई की जगह क्या लगाएंगे, आई ई एस, एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज। डे डे से पहले आप देखें कि वॉवल है वाई से पहले, तो इसकी जगह हम खाली एस ऐड करेंगे, डी ए वाई एस डेज। वॉच एच पे एंड हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी एच पे जब एंड होता है तो हम ई एस का इजाफा करते हैं, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, वॉचेस। स्कार्फ एस सी ए आर एफ, एफ पे एंड हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे स्कार्फ। ठीक है, काइट के आई टी ई, काइट ई पे एंड है, हम इसमें एस का एडिशन करेंगे, के आई टी ई एस काइट्स। सी ए एल एफ काल्फ, एफ है तो हम एफ को कट करके यहाँ पे वी ई एस का इजाफा करेंगे, सी ए एल वी ई एस। ठीक है, सिटी वाई पे एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले वॉवल नहीं है तो हम वाई को कट कर देंगे और वाई की जगह आई ई एस सिटी सिटी सिटीज। मैस डबल एस पे एंड हो रहा है, एस पे एंड है तो ई एस का इजाफा करेंगे, ए एम ए एस एस ई एस। विश एच पे एंड हो रहा है, ई एस का इजाफा करेंगे, डब्ल्यू आई एस एच ई एस। विशेज मैंगो ओ पे हो रहा है तो हम ओ के साथ क्या लगाते हैं, ई एस मैंगोस। ओके ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी, चेंज द फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइंस नाउन्स, ये अंडरलाइंस नाउन्स दिए हुए हैं आपको, उनकी फॉर्म्स चेंज करनी है, कौन सी फॉर्म,
सिंगुलर फॉर्म्स टू प्लूरल एंड प्लूरल फॉर्म टू सिंगुलर, यानी जो सिंगुलर फॉर्म दी हुई है अंडरलाइन उनको आपने प्लूरल में चेंज कर देना है और जो प्लूरल फॉर्म दी हुई है उनको आपने सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर देना है। देन रीराइट द सेंटेंसेस, और फिर रीराइट करने सेंटेंसेस यानी उस सेंटेंस को आप दोबारा से लिखेंगे, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए इन्होंने डन किया हुआ है। जैसे नंबर वन हम देखेंगे द बर्ड फ्लू अवे, बर्ड है, बर्ड सिंगुलर है, इनको इन्होंने इसमें किसने चेंज कर दिया प्लूरल फॉर्म में, तो क्या बन गया द बर्ड्स फ्लू अवे। अब हम नंबर टू स्टार्ट करेंगे, द मैन स्टूड नियर द फील्ड एंड वॉच द बॉय प्ले, हमारे पास दो चीज़ें, एक मैन है तो ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, मैन प्लूरल फॉर्म है तो मैन को हम किसमें चेंज कर देंगे सिंगुलर में, इसी तरह बॉय सिंगुलर है तो इसको किसमें चेंज कर देंगे प्लूरल में, लेकिन पूरा सेंटेंस हमें रीराइट करना है किस तरह, देखें द मैन, मैन का सिंगुलर एम ए एन, मैन स्टूड नियर द फील्ड एंड वॉच द, देखें बॉय था, बॉय अंडरलाइन है, बॉय सिंगुलर फॉर्म है, इसको हम प्लूरल में कर देंगे तो ये हो जाएगा बॉयज प्ले। इसी तरह आपने ये चेंज करके पूरे रीराइट करने हैं। नंबर थ्री, द बेबी वॉज प्लेइंग विथ हिज मदर, बेबी सिंगुलर फॉर्म है, बेबी को हम प्लूरल फॉर्म में कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेबी का बेबीज, वाई को हटा के हम क्या लगाएंगे आई ई एस, द बेबीज वॉज प्लेइंग, जो अंडरलाइन नहीं है हम उसको इसी तरीके से लिखते जाएंगे विथ इट्स मदर, अब मदर है, मदर अंडरलाइन है, मदर सिंगुलर फॉर्म में है, हम इसको प्लूरल कर देंगे तो ये हो जाएगा मदर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर फोर, द कुक मेड एन ऑमलेट विद एन एग एंड अ टोमेटो, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुक भी सिंगुलर फॉर्म है, कुक भी सिंगुलर फॉर्म है, एग भी सिंगुलर फॉर्म है और टोमेटो भी। अब मैं यहाँ पे आपको इनकी सिर्फ फॉर्म्स बताऊंगी, रीराइट करके आप उसको पूरा फुल देखेंगे। कुक, जैसे कुक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी कुक्स, एग की एग्स प्लूरल फॉर्म, टोमेटो की टी ओ एम ए टी ओ ई एस, जब ओ पे एंड हो रहा है तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। आप सिर्फ इस तरह नहीं करेंगे, आप पूरा सेंटेंस जैसे वन और टू मैंने रीराइट करे थे आप उसी तरह करेंगे। नंबर फाइव, मदर पुट द ग्लास, ग्लास सिंगुलर है तो इसकी प्लूरल कर देंगे ग्लासेस, डिश डिशेस, शेल्फ शेल्फ्स, यानी एफ को हटा के वी ई एस, और पूरा सेंटेंस वैसे आ जाएगा कैसे, मदर पुट द ग्लासेस एंड द डिशेस ऑन द शेल्फ्स। नंबर सिक्स, द चाइल्ड कुड हियर द वॉल फॉलिंग, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा चिल्ड्रन आर ई एन, और वॉल्फ का एफ लगा हुआ है, एफ को हटा के हम एफ के साथ एस भी लगा सकते हैं वॉल्फ्स, ठीक है। लेडीज लेडी, सोफा सोफाज है, प्लूरल फॉर्म दी हुई है तो हम यहाँ पे सिंगल कर देंगे इसको सोफा, ठीक है। उसके बाद फेरीज अंडरलाइन है, फेरी का फेरी प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको फेरी कर देंगे आई ई एस हटा के वाई लगा देंगे, एल्फ एल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। वुमेन यानी एक औरत है यहाँ पे तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में कर देंगे एम ई एन, ए की जगह ई का एडिशन हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर फर्नीचर्स तो एस का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। यू शुड गो टू आर डेंटिस्ट टू हैव योर टूथ लुक एट, टूथ की जगह टीथ आ जाएगा टी डबल ई टी एच, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही राइट करेंगे आप। द विजिटर्स, विजिटर्स प्लूरल फॉर्म है, हम इसको क्या कर देंगे विजिटर, ठीक है। यहाँ 11 तक मैंने आपको बता दिए हैं, अब ये बाकी सारे आप खुद करिएगा, जैसे माउस माउसेस हो जाएगा, चेरी चेरीज, ट्री ट्रीज, ड्रेस ड्रेसेस, टॉय टॉयज, बॉक्स बॉक्सेस, लूफ लूफ्स, सैंडविच सैंडविचेस। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर नाउन अच्छी तरह समझ में आए हों, उसको नीट एंड क्लीन करिएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिक्स, डू यू नो देयर नेम्स, क्या आपको इनके नेम्स पता हैं, यानी क्या आपको इनके नाम पता हैं। ये एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 21 पे, ठीक है। पेज नंबर 21 ओपन करेंगे और इसका क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं।
ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेम, यानी ये जितने भी आपको सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं सबके कोई ना कोई नेम हैं. राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं जहाँ पे आप इनके नेम्स लिखेंगे. जैसे नंबर वन, अ पर्सन हु प्लेस द पियानो, वो आदमी यानी वो लोग जो के पियानो बजाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पियानिस्ट. क्या बोलते हैं? पियानिस्ट. तो आप यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे पी आई ए एन आई एस टी, पियानिस्ट. ठीक है. नंबर टू, अ पर्सन हु पेंट्स पिक्चर्स, वो शख्स जो के पिक्चर्स पेंट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्टिस्ट या फिर पेंटर. दोनों राइट है, ए आर टी आई एस टी आर्टिस्ट और पेंटर, पी ए आई एन टी ई आर पेंटर. थर्ड वन इज अ पर्सन हु सेल्स फिश, वो शख्स जो के मछली बेचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिश मॉन्गर, एफ आई एस एच फिश एम ओ एन जी ई आर मॉन्गर, फिश मॉन्गर. ठीक है. नंबर फोर, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ गार्डन, वो शख्स जो के बाग की देखभाल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गार्डनर, जी ए आर डी ई एन ई आर गार्डनर. नंबर फाइव, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ बिल्डिंग, जो के बिल्डिंग की देखभाल करते हैं उन्हें बोलते हैं केयर टेकर, सी ए आर ई टी ए के ई आर केयर टेकर. ठीक है. अ पर्सन हु टेक्स फोटोग्राफ्स, वो पर्सन जो कि तस्वीरें लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर, पी एच ओ टी ओ जी आर ए पी एच ई आर फोटोग्राफर. ठीक है. अ पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, अ पर्सन जो कि एयरक्राफ्ट यानी जहाज वगैरह उड़ाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पायलट, पी आई एल ओ टी पायलट. नंबर एट, अ पर्सन हु प्लेस फुटबॉल, वो लोग जो के फुटबॉल खेलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फुटबॉलर, एफ डबल ओ टी बी ए एल एल ई आर फुटबॉलर. अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप, जो भेड़ों का झुंड होता है उसकी जो देखभाल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शीप हेड, एस एच ई पी एच ई आर डी शीप हेड. के अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार, ड्राइवर, डी आर आई वी ई आर ड्राइवर. अ पर्सन हु क्लाइम्स माउंटेन, माउंटेनियर, एम ओ यू एन टी ए आई एन ई ई आर माउंटेनियर. अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी, अ पर्सन यानी ऐसा शख्स जो कि लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरियन, एल आई बी आर ए आर आई ए एन. आई होप आपको ये पर्सन और उनके नेम अच्छी तरह समझ में आए. इस तमाम काम को आपको सिर्फ बुक में नीट एंड क्लीन करना है, समझ के करना है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.